गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, टुडे आई क्रिएट ए वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। इट्स वेरी इजी टू एवरीवन। सो आप जानना चाहते हैं कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है? सो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज का मेकअप लुक बहुत इजी है और इसे क्रिएट करना भी बहुत आसान है। तो अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है। कोई भी मेकअप करने से पहले हमेशा प्राइमर अप्लाई कीजिए, बिकॉज ये हमारे ओपन पोर को हाइड कर देती है, और हम कोई फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करते हैं तो बहुत स्मूथली स्प्रेड होता है। इसके बाद मैंने NY का ऑरेंज करेक्टर लिया है और इसे मैं अपने पिगमेंटेड एरिए पे अप्लाई करूँगी। जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ मैं इसको अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने एक ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। हमें इसे रगड़ना नहीं है, हमें इसे अपनी स्किन में पुश करते हुए ब्लेंड करना है। देन इसके बाद मैं मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और इसे अपने ऑरेंज करेक्टर को सेट कर ले रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन लिया है, और मेरा जो भी शेड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूंगी। फाउंडेशन को हम अच्छे से अपने पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई करेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। कभी भी फाउंडेशन को ज़्यादा मात्रा में मत लीजिए, हमेशा इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए। इसके बाद मैंने एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इससे अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। आप चाहे तो फाउंडेशन ब्रश से भी अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको अच्छा कवरेज नहीं मिल रहा है तो आप इसकी एक और लेयर लगा सकते हैं। इसके बाद हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इनसाइड का प्रो कंसीलर लिया है और ये कंसीलर बहुत अच्छा वर्क करता है गाइज, इसे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जहाँ जहाँ मुझे अपने फेस को हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ पे मैं इसको कंसीलर को अप्लाई कर ले रही हूँ। कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश लिया है और इसकी हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसके बाद अपने पूरे फेस को सेट करने के लिए मैंने मेबलिन फिटमी का ही कॉम्पैक्ट लिया है और अपने पूरे फेस एंड नेक को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। गर्मियाँ चल रही हैं तो लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट से सेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा मेकअप केकी लग सकता है। सो मैं अच्छे से इसको सेट कर ले रही हूँ। देन इसके बाद मैं अपने फेस को थोड़ा सा कंटूर कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सिवाना कलर का ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट लिया है और इसमें जो कंटूर शेड है उससे मैं अपने फेस को कंटूर कर ले रही हूँ। आप चाहते इसके स्किप भी कर सकते हैं। ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे मार्स का ब्लशर पैलेट लिया और इसे अपने चिक्स पे अच्छी तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल ली है और इससे अपने आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी ब्रो पोमेड या कोई भी आई शेडो से डार्क शेड लेके अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं। इसी पेंसिल में मुझे जो कॉम मिला है उसी से मैं अपने आईब्रो को अच्छे से कॉम कर ले रही हूँ और दोनों आईब्रो इसी तरह से फिल कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक लाइट ब्राउन शेड लिया है और उसे अपने क्रीज पे धीरे धीरे करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। ये हमारा ट्रांजिशन कलर है तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक बरगंडी शेड लिया है और इसे भी अपने क्रीज पे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। इसे हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक दोनों कलर आपस में अच्छे से मर्ज ना हो जाए। इसके बाद मैंने एक ब्लू सिमरी शेड लिया है और उसे अपनी आईलिड पे स्प्रेड कर ले रही हूँ। कलर थोड़ा थोड़ा करते हुए लेना है, एक साथ ज़्यादा कलर नहीं लेना है, और इसको मैं अपने आईलिड पे ही सिर्फ स्प्रेड कर रही हूँ।
देन मैंने फिर से वही फ्लफी ब्रश लिया है और अपनी क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। इसके बाद मैंने एक ब्लैक शेड लिया है और उसे अपने आँखों के आउटर वी पे अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने गोल्ड ग्लिटर लिया है और उसे अपने आईलिड पे स्प्रेड कर ले रही हूँ। हमें ज़्यादा ग्लिटर नहीं लेना, बस थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई करना। इसके बाद मैंने गोल्ड आईलाइनर लिया है और उसे अपने आईलिड पे ड्रॉ कर ले रही हूँ। आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे NY का लिक्विड आईलाइनर लिया और इसे एक स्मॉल विंग आईलाइनर ड्रॉ कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं अपने आंखों में काजल अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ADS का काजल लिया है और उसे अपने वाटर लाइन पर अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने फिर से वही ब्लू सिमली शेड लिया है और उसे अपने लोअर लैशेस पे अच्छी से ब्लेंड आउट कर ले रही हूँ। अब मस्कारा अप्लाई करेंगे, तो मैंने मस्कारा के लिए यहाँ पे मेबेलिन का कलोशन मस्कारा लिया है और इसकी 2 से 3 कोट मैं अपने आई लैशेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं अपने आंखों पे फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे सिवाना कलर का हाइलाइटर एंड ब्लशर पैलेट लिया है और इसे मैं अपने चिक बोन्स के ऊपर, ब्रिज ऑफ नोज पे, फॉरहेड पे, क्यूपिड बो पे और चिन पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। इसके बाद एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं हाइलाइटर को अपने ब्रो बोन पे एंड आई के इनर कोने पे भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे मास्क का सेटिंग स्प्रे लिया है और अपने पूरे मेकअप को अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया है। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे NY की लिक्विड लिपस्टिक ली है और मेरा जो भी शेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूँगी। अब हम अपनी ज्वेलरी पहन लेंगे और हमारा मेकअप लुक अब रेडी है। सो गाइज, ये मेरा फाइनल लुक है। आपको ये लुक कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करिए। तो चलिए, हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।